दोस्तों नमस्कार। देखिए कलयुग में ये बात कलयुग में हुई है, कलयुग में जब सच्चाई मनुष्यों के बताने से सच्चाई को स्वीकारा नहीं जाने लगा, तब जरूरत पड़ी किसी सच्चाई के बताने वाले की, और तब थर्ड आई की जरूरत पड़ी यानी सीसीटीवी कैमरे, यानी कि हम थर्ड आई किसे कहते हैं, त्रिनेत्र शिव जी का, यानी कि उनको सच्चाई जो बताए उसकी जरूरत पड़ गई इंसानों को। अब आप आइडिया लगा सकते हैं त्रिनेत्र किसके पास है कलयुग में, ये चारों तरफ कौन है जो तीसरा नेत्र खोल के सीसीटीवी कैमरे के रूप में सच बता रहा है। ये बात आपको नॉर्मल हो सकता लगती हो, मगर ईश्वर जब अपना रूप धारण कर लेता है वो कण कण में, वो किसी भी रूप में हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है ना। सीसीटीवी कैमरा सच बताता है, सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में 16 कलाओं में थे, तो 16 कलाएं सब दिखा दी, उसमें तो आप उनको पहचान लोगे, वो तो उनको भी पता है कि 16 कलाओं तक तो आप पहचान लोगे, उन्होंने लीला कर दी, सब जान गए उनके बारे में। तो बाकी जो 48 कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं ना कल्कि की, तो आप कल्कि भगवान को पहचान नहीं सकते, क्योंकि 16 कलाओं ने ही आपको इतना ज़्यादा आकर्षित कर रखा, सम्मोहित कर रखा है कि आप कृष्ण से ही नहीं निकल पा रहे, और वो कृष्ण से 4 गुना ज़्यादा है, शिव जी हैं, क्योंकि त्रिनेत्र पूरे कलयुग में पूरे ब्रह्मांड में हर जगह सीसीटीवी कैमरा चल रहा है सच्चाई बताने के लिए। इससे पता चलता है कि सत्यम शिवम सुंदरम वो शिव जी हैं, और क्योंकि 64 कलाएं, इससे ज़्यादा कलाएं नहीं होती, और सारी कलाएं शिव जी से ही नहीं निकलती हैं, शिव जी में निहित हैं। तो जो कल के अवतार हैं वो शिव जी ही हैं, विष्णु के रूप विष्णु जी हैं, मगर वो शिव जी की पूरी पावर के उस रूप में है, वो जैसे किसी को पूरी पावर दे दी गई हो तो फुल पावर है, क्योंकि कलयुग में इन युगों का एंड है ये। दूसरी बात, आप खुद देखो सीसीटीवी कैमरे सच्चाई बताते हैं, आजकल हर जगह उनकी फुटेज देख के फैसले लिए जाते हैं, और जो सच हो वो सत्यम शिवम सुंदरम वो ईश्वर है, चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं ईश्वर, बस देखने की देर है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट कीजिएगा।